और अब बात करते हैं जबलपुर की, जहां आधारताल थाना पुलिस अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो में आधारताल थाने का स्टाफ लग्जरी कार से दो आरोपियों को छोड़ने जेल आया हुआ है। जिस कार में आरोपियों को लाया गया उसमें ब्लैक कांच लगे हुए थे। जिन दो आरोपियों को पुलिस जेल छोड़ने आई थी वो रेप के आरोपी हैं। आरोपी नहीं, जिसने अपना नाम अंकित ठाकुर बताते हुए एक महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसका दैहिक शोषण किया। महिला को जब पता चला कि नईम ने नाम बदलकर उसके साथ धोखा किया, शादीशुदा और बच्चे होने की बात छिपाने पर महिला ने आधारताल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पर आरोपी के गुर्गे पीड़ित महिला को परेशान कर रहे हैं। वहीं दूसरा आरोपी अन्नू कनौजिया है, जिसने की अपने आप को कुंवारा बताकर महिला की मांग भरकर उसके साथ रेप किया। जिन अपराधियों को पुलिस हमेशा सरकारी गाड़ी में लेकर आती है, वहीं पुलिस रेप के दो आरोपियों को आखिर क्यों लग्जरी कार में लेकर आई, ये समझ से परे है। ये भी समझ नहीं आ रहा कि रेप के दोनों आरोपियों से आधारताल थाना पुलिस की कोई खास मित्रता है जो ये ट्रीटमेंट दिया गया है। बहरहाल रेप के दो आरोपियों के साथ आधारताल थाना पुलिस का ये वीडियो सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज। दो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में दिखाई दे रहे हैं जो कार से उतर रहे हैं, तो ये वस्तु स्थिति इसका हम पता लगाएंगे कि ये कौन है, कहाँ की पुलिस है ये और इसके पीछे क्या बात है, ये हम पूरा हम पता लगाएंगे। जांच का विषय है, तभी कुछ आगे इस संबंध में कहा जा सकेगा।